तो आज के वीडियो में हम अपनी स्कूटी का गियर ऑयल और उसके अलावा हम स्कूटी का ही इंजन ऑयल चेंज करने वाले हैं। तो गियर ऑयल के लिए हमारे पास है कैस्ट्रोल का स्कूटर गियर ऑयल जो कि 120 ml की पैकिंग में है। उसके अलावा हमारे पास विडोल का टेक ऑफ इंजन ऑयल भी है जो कि 800 ml की पैकिंग में आता है। तो जिसको जिनको नहीं पता कि स्कूटी में 800 ml ऑयल डलता है और बाइक में डलता है 900 ml, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम गाड़ी का गियर ऑयल चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नट खोलने वाले हैं गियर ऑयल का। तो पहले गियर ऑयल को निकालते हैं, उसके बाद हम नया गियर ऑयल डालेंगे। तो आप देख रहे हैं गियर ऑयल निकल रहा है, ये ज़्यादा मात्रा में नहीं है, गाड़ी में बहुत ही कम मात्रा में है गियर ऑयल। उसके बाद हम दूसरा वाला नट खोलने वाले हैं जिसके जहाँ से हम गियर ऑयल गाड़ी में डालेंगे। और गियर ऑयल निकलते समय अपनी एक्टिवा का टायर हमेशा पिछला टायर घुमाते रहिए ताकि गियर ऑयल जो भी अंदर है वो अच्छे से बाहर आ जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो स्कूटी का गियर ऑयल है वो काफ़ी हद तक बाहर आ चुका है। और आप भी कभी घर पे गियर ऑयल या इंजन ऑयल चेंज करना चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से आप घर पे ही अपनी स्कूटी का गियर ऑयल चेंज कर सकते हैं, गियर ऑयल और इंजन ऑयल दोनों चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को हम शॉर्ट एंड सिंपल रखने वाले हैं जिससे कि आप लोग बेटर समझ पाएँ कि कैसे गाड़ी का इंजन ऑयल और गियर ऑयल चेंज किया जा सकता है घर पे। आपको रिक्वायरमेंट्स रहेगी तो वो टूल्स की रहेगी, अगर आपके पास टूल्स है तो आप आसानी से ये दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारी स्कूटी का जो गियर ऑयल है वो पूरा बाहर आ चुका है। अब इसके बाद हम इसके जो नट है उसको वापस से कस देंगे। और इसके अलावा अब हम इसके बाद हम गाड़ी का इंजन ऑयल निकालेंगे, उसके बाद हम दोनों नए ऑयल गाड़ी में डालने वाले हैं। तो हमने अब गियर ऑयल के नट को पूरा टाइट कर दिया है जहाँ से हमने गाड़ी का गियर ऑयल जो है पूरा निकाला था। और आप अब देख सकते हैं कि हमारे पास कम से कम 100 ml के करीबन गियर ऑयल निकला है गाड़ी में से। तो आगे की जो प्रोसेस है उसमें हम अब गाड़ी का इंजन ऑयल निकालने वाले हैं। तो पहले हम गाड़ी का नट खोलने वाले हैं, उसके बाद हम जो भी गाड़ी का पुराना इंजन ऑयल है वो सारा ड्रेन करेंगे। तो हमने जो है वो यहाँ का नट खोल चुके हैं, उसके बाद अब जो भी पुराना ऑयल है वो सारा ड्रेन करेंगे स्कूटी में से, उसके बाद हम इसमें नया ऑयल डालेंगे। तो पहले सारा पुराना ऑयल इसमें निकालते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो आप लोगों के सामने जो हमने पुराना ऑयल निकाला था वो काफ़ी गंदा हो चुका था, तो इसलिए हमने इसको निकाला है और अब नया ऑयल डालेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये पुराना ऑयल किसी काम का नहीं है, ये भी काफ़ी काम का है। आप गाड़ी की चेन वगैरह साइकिल वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और गाड़ी के काफ़ी सारे पार्ट्स में ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो भी स्कूटी का जो पुराना ऑयल था वो हमने सारा ऑयल इस डिब्बे में निकाल लिया है और कम से कम 400 से 500 ml आधा लीटर के करीबन हमारे पास ऑयल जमा हो गया है। तो अब इस नट को हम वापस से टाइट कर देंगे और इसके अलावा अब हम इसमें नया ऑयल डालने वाले हैं, उसके बाद हम इसमें गियर ऑयल भी नया डालेंगे। तो जो ऑयल हम इसमें डालने वाले हैं वो है विडोल का 800 ml का 800 ml की पैकिंग आती है, स्कूटर ऑयल है ये और इसकी 800 ml की पैकिंग आती है, तो हम ये इसमें डालेंगे। तो पहले ऑयल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी में ये पूरा ऑयल डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने स्कूटी में ऑयल डालना शुरू कर दिया है और ऑयल आप जो आपको ऑयल चेक करने का जो गेज दिया होता है ऑयल आपको वहाँ से डालना पड़ेगा स्कूटी में। तो ये हमने ऑयल डालना स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद हम स्कूटी में गियर ऑयल डालेंगे। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ऑयल डब्बे में पूरा 800 ml है वो 800 ml पूरा आपकी स्कूटी में डलेगा। तो आप कुछ भी ऑयल डब्बे में ना बचाए, पूरा ही स्कूटी में आपको डालना पड़ेगा।
तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो भी डब्बे में ऑयल आया था 800 ml, वो पूरा ऑयल हमने इसके इंजन में डाल दिया है, 800 ml ऑयल। और आपको इसके बाद ढक्कन अच्छे से लगा देना है ताकि ऑयल बाहर ना निकले। उसके बाद हम दूसरी प्रोसेस चालू करने वाले हैं जो कि है गियर ऑयल। तो अब इसके बाद हम गियर ऑयल डालने वाले हैं। तो अब हम हमारे स्कूटी में नया गियर ऑयल डालने वाले हैं। तो जो ऊपर वाला जो नट है, जिसमें से नीचे वाले नट से हमने गियर ऑयल निकाला था, उसको वापस लगा दिया है। उसके ऊपर वाले नट से हम गाड़ी में गियर ऑयल डालेंगे। तो गियर ऑयल के लिए हमारे पास है कैस्ट्रोल का स्कूटर गियर ऑयल। तो इसकी MRP कुछ ज़्यादा है, पर हमें ये 30 rupees में मिला था। तो ये डालते हैं उसके बाद में। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने गाड़ी में गियर ऑयल भी डाल दिया है, और उसके अलावा अब हम दूसरा नट भी इसमें अच्छे से कस देंगे। तो हमारी ये दोनों प्रोसेस अच्छे से हो गई है। तो हमने गाड़ी में न्यू गियर ऑयल और न्यू इंजन ऑयल दोनों डाल दिए हैं। उसके अलावा आपको पाने से अच्छे से अपने नट को टाइट करना होगा, जिससे कि ऑयल बाहर ना लीक हो, ना बाहर निकले। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और उसके अलावा आप सीख भी गए होंगे कि आपकी स्कूटी में कैसे गियर ऑयल और इंजन ऑयल कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।